हाय फ्रेंड्स कंपटीशन ओडिशा यूट्यूब चैनल आप बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम गोटे नुआ सेक्शन स्टार्ट करने जाऊँ तो जोटा कि आप करंट अफेयर सेक्शन रिसेंटली जितक आपंकर करंट अफेयर आसक नुआ नुआ न्यूज आसबू आपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित ओडिया आपन को बुझाप चेष्टा करी ठीक अच्छे। ता सहित से करंट अफेयर रिलेटेड जितक आप स्टाटिक जिके आसो आम भल भाव डिस्कसन करूँ कहीं ना आप देखते जितक सब माने एग्जाम एवं हो तो तार जितक स्टाटिक जिके आसी भी पाखापाखि करंट अफेयर रिलेटेड ही स्टाटिक जिके आसी धर जो कौन गोटे कंट्री उपर कौन नुआ न्यूज ए बहुत किसी भाइराल हो तेणुकर से कंट्री रिलेटेड तार कैपिटल कौन तार करेन्सी कौन ये सब बहुत किसी क्वेश्चन पड़े ताकू रिलेटेड जितक सब स्टाटिक जिके रही आम डिस्कसन करूँ सहित। तो फ्रेंड्स आज आम कौन करूँ ना आज आम 1 फेब्रुआरी और 2 फेब्रुआरी जितक सब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अच्छी आम डिस्कसन करूँ। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करिया पूर्व आम ये किए जापर ये किए आमर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो काली कौन गला ना 1 फेब्रुआरी गला काली जो आम बजेट सेसन स्टार्ट हुए आम देश में। तो बजेट सेसन आम स्टार्ट हो तो किसी नुआ पॉइंट किसी मैंने डिक्लेयर कर किसी आखि पकता देखो ना कौन कहना गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट कौन करने जाऊँ ना डिजिटल करेन्सी को इंट्रोड्यूस करने जाऊँ। डिजिटल करेन्सी मैंने कौन आम बिटकॉइन जमी आप शुणी बिटकॉइन से टाइप डिजिटल करेन्सी इंडिया तार निजर गोटे डिजिटल करेन्सी कौन ना डेवलप करने जाऊँ इंट्रोड्यूस करने जाऊँ। आउ कौन कही ना कौन कही ना 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन टू बी कंडक्टेड इन 2022। तो 2022 रे ही 5G कौन कर अक्ता ऑक्शन कंडक्ट कर कौन ना 5G आसपाई जाऊँ आम देश में। तो चलते एवं क्वेश्चन डिस्कसन करियो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन होची ना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा नुआ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भाव किए अपॉइंटेड होती तो सठिक आंसर कौन हम ना भी अनंत नागेश्वरम। ये देख पार्थ ये है फोटो सी कौन नुआ चीफ इकोनॉमिक सीईए भाव में अपॉइंटेड होती। नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा प्राइवेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे एवरी ईयर विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन प्राइवेसी। आपन निज प्राइवेसी को किभरि भाव में सठिक भाव सुरक्षित भाव रखिपारे तो ताकू अवेयरनेस को स्प्रेड करने आम कौन पालन करता ना डाटा प्राइवेसी डे से केबे पालन होता है तो सठिक आंसर कौन हम ना 28 जनवरी। ए वर्ष थीम कौन अच्छी थीम बहुत इंपोर्टेंट कहीं छोट थीम मैंने आसवर बहुत चांसेस अच्छी थीमटा कौन ना प्राइवेसी मैटर। तो ए वर्ष थीम कौन अच्छे ना प्राइवेसी मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉप्सटा गोटे कौन ना इंडिया फास्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर। इंडिया प्रथम इंटेलिजेंट मैसेंजर कौन ना पॉप्स एवं जनरेट होती व्हिच एंटिटी हैज लॉन्च द फैसिलिटी। को कंपनी एटा को लॉन्च करछि तो सठिक आंसर कौन हम ना पेटीएम मनी कौन ना पेटीएम गोटे सब्सिडारी गोटे कंपनी। तो तार सीईओ किए होती ना वरुण श्रीधर अच्छा तो हेडक्वार्टर कहीं ना बेंगलुरु केबे एटा एस्टाब्लिश होता 2017 ही एटा फॉर्म होता या कंपनीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ बुक फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस नामक ए नुआ बुक गोटे लॉन्च होती तो ऑथर किए तो ऑथर है किए ना आंसर है सी ऑप्शन सी डॉक्टर किरण बेदी। तो किरण बेदी किए आम भल भाव जानते यहाँ देखते तो बुक रहा इंटरफेस ये होती आम किरण बेदी किए ना आम इंडिया फास्ट ओमेन आईपीएस ऑफिसर जी कि 40 वर्ष धरिकी आईपीएस ऑफिसर भाव में काम करम देश आउ कौन ना लेफ्टनाट गवर्नर हिसाब से काम कर पुदुचेरी 5 वर्ष धरिकी 2016 रू 2021 पर्यटन तेणुकरी बहुत इंपोर्टेंट बुक टू मन रखिथ्यो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑन द 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन ओमेन सिंगल टाइटल। ऑस्ट्रेलिया ओपन शुणुवे फ्रेंच ओपन शुणुवे यूएस ओपन शुणुवे सब कौन एटा आम कही कौन ना ग्रांड स्लाम कही कौन कही ना ग्रांड स्लाम एटा सब टेनिस टूर्नामेंट। तो ये टेनिस टूर्नामेंट सी कही ओमेन्स कैटेगरी सिंगल टाइटल किए जीतची तो आंसर है कौन ना आश्ले बार्टी। ये कईटिकार सिटीजन ना ऑस्ट्रेलिया प्लेयर। तो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर जी कि 44 वर्ष पर जन कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया ओपन ही जीतची तेणुकर यहाँ बहुत इंपोर्टेंट ना टी मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्लेयर हैज बीन मैन ऑन मेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया ओपन से ओमेन देखते आम मेन मेन कैटेगरी सिंगल टाइटल किए जीति बहुत बड़ा ना सी कौन ना राफेल नाडाल एटा कौन ना केत नंबर ग्रांड स्लैम ना 21 नंबर ग्रांड स्लैम से जीति। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टीम हैज बीन ओन द 2022 ओमेन्स पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट अमेरिकार गोटे ओमेन मानकर हॉकी टूर्नामेंट होता तो सेटा को जीति किए होता अमेरिका लेकिन जीति किए ना आर्जेंटीना क्या को हर जीति ना चिली को हर जीति ये देखिए जीतला खुशी खुशी मुह तो आर्जेंटीना विषय टी जाना आर्जेंटीना कौटिकार कंट्री ना साउथ अमेरिकार गोटे कंट्री ता कैपिटालटा मन रखिथे ना बिएनस एरिस मोस्ट इंपोर्टां क्वेश्चन आसबार बहुत चान्सेस बिएनस एरिस कहार कैपिटाल ना आर्जेंटीना कैपिटाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 30 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एक मेट्री डे ऑफ महात्मा गांधी को कौन होते जनवरी 30 ना तांको हत्या कर दिया किए करते नाथुराम गोडसे तो सेटा को हमें के डे ऊपर पालन करथौ ना सेटा को हमें को डे ऊपर पालन करथौ ना सेटा को हमें शहीद दिवस बा मेट्री डे हिसाब पालन करथौ सी कहि ए जो 2022 रे पालन करले केते नंबर डे माने शहीद दिवस हिसाब पालन करले ना 74 नंबर शहीद दिवस रे पालन करछे ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्की हैज पार्टनर विथ व्हिच कंपनी टू सपोर्ट द 5 लाख वोमेन लेड स्मॉल बिजनेस अक्रॉस द इंडिया फिक्की रो फुल फॉर्म कौन ना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्की हैज पार्टनर विथ व्हिच कंपनी टू सपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्की हैज पार्टनर विथ व्हिच कंपनी टू सपोर्ट 5 लाख वोमेन लेड स्मॉल बिजनेस अक्रॉस इंडिया से कहते फिक्की रो फुल फॉर्म कौन ना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते फिक्की के कंपनी सहित टाई अप करछि वोमेन मानकर स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने अक्रॉस इंडिया रे तो तार सठिक आंसर कौन हम ना मेटा कहार कंपनी ना फेसबुक रो उठेला टेक्निकल कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी फेसबुक रो तेणुकर यार सीईओ किए हे ना फेसबुक रो जी सीईओ थे फेसबुक रो सीईओ किए ना मार्क जकरबर्ग तो यार भी सीईओ मार्क जकरबर्ग से फिक्की हेडक्वार्टर कर न्यू दिल्ली एतिको मन रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन टीम बीट व्हिच कंट्री टू विन ब्रोंज मेडल एट द 2022 वोमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 वोमेन्स हॉकी एशिया कप जो होता तो ये इंडिया को मेडल जीतची इंडिया जीतची कौन ना ब्रोंज मेडल को ब्रोंज मेडल मतलब के प्लेस आसी ना थर्ड प्लेस तो प्रथम कथा यहाँ हूँ कौटी ना ओमान रे ठीक अच्छे तो फास्ट प्लेस आसी किए ना फास्ट प्लेस आसी जापान तो सी कही क्वेश्चन आपको कही सी जो मेडल जीतची ब्रोंज मेडल तो ये क्या को हर जीत ना क्वेश्चन है चाइना आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज कोलाबोरेटेड विथ व्हिच कंट्री टू क्रिएट 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया देखिए इंडिया के कंट्री सहित कोलाबोरेट करछि 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस तैयारी करिया पई 12 स्टेट रे तैयारी करिवो तो ता आंसर है कौन ना इजराइल तो इजराइल मन रखिथे मिडिल ईस्ट गोटे कंट्री तो तार कैपिटल कौन ना कैपिटल है कौन ना जेरूसलम मन रखते इम्पोर्टेंट ना जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तो गोटे नुआ बुक आसी लिटिल बुक ऑफ इंडिया एटाकू लेखिछि किए एटाकू लेखिछि रस्किन बॉन्ड बहुत बड़ा ना ये देखिपे ये होउछन रस्किन बॉन्ड ये हला बुक रो इंटरफेस इंडिया रे जो स्टार्टिंग रु 75 वर्ष पर्यंत इंडिपेंडेंट रो कौन कौन है से बुक रे लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैनाल लॉक हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड इन व्हिच कंट्री दुनिया रो सबुठारो बड़ो कैनाल लॉक के कंट्री द्वारा बे माने सॉल्व कराई छी नेक्स्ट आंसर हला नेदरलैंड ये देख पाते ये हला कैनाल लॉक माने एटा आ भीतर जहाज आसीबो ए भीतर दिक एयरपोर्ट को जीवो सबुठारो बड़ो कैनाल लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टेक जायंट हैज पार्टनर विथ भारती एयरटेल टू इन्वेस्ट $1 बिलियन टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम के गोटे सबुठारो दुनिया रो बड़ कंपनी वर्ल्ड रो बड़ कंपनी एयरटेल सहित टाई अप करछि केते टंका रे ना $1 बिलियन रो कोन करिया पई ना इंडिया रो जो डिजिटल इकोसिस्टम होछि ताकू ग्रोथ करिया पई तो सठिक आंसर कोन हबो ना गूगल। तो गुगुल विषय टी जाना गुगुल सीईओ किए ना सुंदर पिचाई से कौटू बिलंग करती ना इंडिया लोक सी इंडियान बिलंग करती सुंदर पिचाई जी गुगुल सीए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर जो अच्छा किए आमर ओम बिरला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रो नुआ आप आछि से आप रो ना कौन से आप रो ना है कौन ना डी कौन ना डिजिटल सांसद आप ये देख पारे तार लोगोटा नुआ आप रो लॉन्च डिजिटल सांसद आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनागुरेटेड एट व्हिच प्लेस। इंडिया रो सबुठारु बड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कोउटी लॉन्च कराइछि बा कोउटी स्टार्ट हेछि तो सठिक आंसर कौन हम गुरुग्राम। आप जानते हैं इंडिया कौन कर इंडिया कौन सारा वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप करने बेस से मन बढ़ाऊँ कहीं ना आमर एनवायरनमेंट सब भल ठीक अच्छे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो मैं चार्जिंग स्टेशन दरकार ना गाड़ी चलो कमी तो ये कौन इंडिया सब बड़ चार्जिंग स्टेशन कि गुरुग्राम तैयारी कराई तो ये कौटी ना दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे रोचु कराई तेतर चार्जिंग पॉइंट रहा 100 चार्जिंग पॉइंट रहा देखते हैं ये लाइन लो सब रही 100 चार्जिंग पॉइंट रही गाड़ी चार्ज करके जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेड इन इंडिया AL-3 एयरक्राफ्ट इंडक्टेड टू INS उत्कर्ष एट डैश। तो AL-3 माने कौन ना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ना कौन ना MK-3 को क्या उपरे इंडक्ट कराई ना INS उत्कर्ष से कुछ केईटी इंडक्ट कराई तो आंसर है पोर्ट ब्लेयर इंडक्ट कराई ये देख पारे आपको डेवलप किए कर हाल कर मतलब इंडिया सब गोटे बड़ कंपनी हाल लॉन्च कर INS उत्कर्ष ये देख पारे ये AL-3। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली टर्म पेगासस इज इन न्यूज व्हाट इज दिस। पेगासस गोटे टर्म थी बहुत किसी न्यूज रे शुणुए तो पेगाससटा कौन पेगाससटा गोटे कौन आंसर हम स्पाइवेयर एटा गोटे कौन स्पाइवेयर मतलब आपंकर सब जितक डाटा को ये कलेक्ट करके नहीं जो वन टाइप ऑफ हैक आपण मोबाइल कि आप पर्सनल डाटा जितक यदि आप तुम क्लिक करदे तो आप पर्सनल डाटा सब किसी ये जान नहीं पार तो स्पायर इंडिया आनी सी मैंने अपोजिशन कौन करना एलिगेशन लगे इंडियन गवर्नमेंट उपरे जी इंडियन गवर्नमेंट एटा क्या पाखर आनीला ना इजराइल पाखर आनीला इजराइल सहित डील करके आपटा को आनीला केबे ना 2017 मसीह ठीक है ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज फास्ट जियो पार्क कम्स अप इन डैश। इंडिया प्रथम जियो पार्क कोटी एस्टाब्लीश कराई तो आंसर है कौन जबलपुर कोटी ना MP रे मध्य प्रदेश ये देख पार्थे ये है जियो पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच ऑफ दिस डेज। लेप्रोसी डे हम जो पालन करता लेप्रोसी रोग को माने प्रतिबद्ध करने अवेयरनेस क्रिएट करने केबे पालन कराता आंसर है कौन ना लास्ट संडे ऑफ जनवरी तो आंसर कौन हम ना लास्ट संडे ऑफ जनवरी मासर लास्ट संडे को आम पालन करते वर्ष केबे आछि ना जनवरी 30 तारिख रे वर्ष पड़ी तो लेप्रोसी डे रो थीम कौन अच्छी थीम टा मन रखिए यूनिटी फॉर डिग्निटी छोटो छोटो थीम ना बहुत जल्दी माने आम क्वेश्चन पेपर आस छोटो थीम जो आसो निहाती मन रखिए यूनिटी फॉर डिग्निटी। इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स इट्स 46 राइजिंग डे। इंडियन कोस्ट गार्ड कौन कर तो 46 राइजिंग डे सेलिब्रेशन केबे राइजिंग डे सेलिब्रेशन करे तो आंसर कौन हम ना 1 February ठीक अच्छे। तो से भाया अगर सब बहुत किसी अच्छी कौटा कि जमीक आमर BSF हो CRPF हो सब किसी रही राइजिंग डे भी डिस्कसन करदे। BSF बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स तार राइजिंग डे के पालन करे ना 1 December से भाई CRPF तार राइजिंग डे के पालन करे ना 21 कौन ना अक्टोबर से भाई रहा कौन SSB सशस्त्र सीमा बल तार राइजिंग डे के पालन करे ना 20 December ओके मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख पारे फास्ट फेब्रुआरी पालन करें यहाँ नेभी आमर ये देख पारे फास्ट फेब्रुआरी पालन करती ये कौन ना कोस्ट गार्ड आमर जो कोस्ट है ताकि से गार्ड करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग हैज वन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 रिसेंटली वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किए जीतची अभी रिसेंटली ना आंसर ला कौन ना ऑप्शन नंबर बी पी आर श्रीजेश किए ना आमर इंडियन हॉकी टीम रो कौन ये कौन ना गोलकीपर है ना ये गोलकीपर इंडियन हॉकी टीम ए कौन करते ना ओलंपिक रे ब्रोंज मेडल आनी से भी सी गोलकीपर ही तेनाली बहुत किसी फेमस होती रिसेंटली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज बाय सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरम व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 2023 मसीहा पई जीडीपी फोरकास्ट केते रहियो बोली माने अनुमान करा है जी तो आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी 8 to 8.5% मन रखिए ये देखो इकोनॉमिक सर्वे करना 8 to 8.5% जीडीपी ग्रोथ रहिबो फाइनेंशियल ईयर 23 पई रियल जीडीपी ग्रोथ 2021-22 पई केते हिजे ना 9.2% आखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन उठि थबो देखन हां आसी गला देखन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तो आंसर केते ना सी 9.2%। तो फ्रेंड्स आज पई एतिक थिला आज पाखापाखि आम 24टा क्वेश्चन डिस्कसन करछे तो आई होप आपको भिडियोटी बहुत भल लगे जदि आपको भिडियोटी भल लगे तेने भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और सांग पाक समस्त कहतु जे करंट अफेयर ओडिया गोटे नुआ सेसन स्टार्ट होती डेली अपलोड करने आपको करंट अफेयर चेस्टा करें जदि नहब निहाती दिन दुई दिन को आपको करंट अफेयर अपडेट कर दिजो तेणु आज ये कमेंट कर कहतु आपको केमती लगे भिडियोटी नेक्स्ट भिडियो देखा। थैंक यू।